हे गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। तो देखो यार, अगर आपका बजट 15,000 है, अभी के टाइम में कोई वन प्लस का स्मार्टफोन आप इस बजट में परचेज करना चाहते हो तो यार आप बिल्कुल ही सही वीडियो में आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी के टाइम में वो कौन से टॉप 3 बेस्ट वन प्लस के स्मार्टफोन मार्केट में है जो आपको 15,000 के बजट पर मिल जाता है। एंड यार, जितने सारे मैंने फ़ोन इंक्लूड किए उसमें आपको एक अच्छा कैमरा, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग एंड एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ ही एक अच्छा डिज़ाइन के साथ ये फ़ोन आता है। तो यार, वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड देखो यार, इस वीडियो में मैं आपके नीड के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आपको अगर एक कैमरा फोन चाहिए वन प्लस का 15,000 के बजट में तो आपको कौन सा फोन चूज करना चाहिए इन तीनों में से, एंड गेमिंग वगैरह के लिए चाहिए तो आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि अपने नीड के अकॉर्डिंग फोन को चूज कर सको। एंड प्लीज, चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना ताकि वीडियो की रीच बढ़े। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, नंबर 3 पे जो फोन है वो है वन प्लस की तरफ से वन प्लस नॉट N20 SE। एंड यार देखो, इस फोन के लाइक कुछ प्रोज के बारे में बात करें तो ये लाइक 10,000 to 11,000 के बजट पे आपको एक वन प्लस का फोन मिल जाता है देखने को। एंड लाइक काफ़ी अच्छा डिज़ाइन के साथ ये फ़ोन आता है, एंड कैमरा एंड लाइक फास्ट चार्जिंग वगैरह इस फ़ोन में है। तो यार ये इस फ़ोन का प्रोज है। एंड अगर कौनस के बारे में बात करें तो गाइज, ये फ़ोन एक 4G फ़ोन है, तो आपको 10,000 to 11,000 के बजट पे वन प्लस का फ़ोन मिल रहा है, बट 4G है। तो चलो, इस फ़ोन के डिटेल को लाइक हम अच्छे से जान लेते हैं। तो गाइज, सबसे पहले इस फोन के अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको 6.56 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि IPS LCD पैनल के साथ आता है। एंड इसके बाद इस फोन के अगर हम कैमरे के बारे में बात करें तो आपको बैक में डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है 50+2 MP का, वही फ्रंट में आपको 8 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों, आप लाइक दोनों ही कैमरे से 1080p पे 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड इसके बाद लाइक इसका अदर फीचर के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस फोन में आपको 4GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। साथ ही ये फोन मीडियाटेक हीलियो G35 के प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि लाइक एक मिड वाला प्रोसेसर है दोस्तों, लाइक हैवी गेम वगैरह इस फोन से आप नहीं कर सकते हो। एंड एंड्रॉइड 14 के सपोर्ट के साथ ये फोन आता है। एंड साथ ही इस फोन में आपको दोस्तों 5000mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, यानी बैटरी बैकअप वगैरह तो अच्छा रहने वाला है। एंड साथ ही 33W का फास्ट चार्जिंग भी आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि लगभग हाफ एन आवर में आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा। तो गाइज, ये थी इस फोन की फीचर। एंड एंड में इस फोन के अगर दोस्तों हम प्राइस के बारे में बात करें तो लाइक अभी के टाइम में करंट प्राइस फोन का आपको 11,000 के आसपास पड़ेगा। तो फ्रेंड, अगर नेक्स्ट फोन के बारे में बात करें जो कि वन प्लस की तरफ से वन प्लस नॉट CE 2 Lite 5G। एंड यार लाइक 15,000 to 16,000 के बजट पे ये भी काफ़ी ही अच्छा फ़ोन है, क्योंकि इस फोन के जो कैमरा है, बैटरी है एंड चिपसेट वगैरह लाइक प्रोसेसर वगैरह भी काफ़ी ही अच्छा है, मतलब स्नैपड्रैगन का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एंड सारी चीज़ें लाइक एक ऑलराउंड एक अच्छा फ़ोन ये हो सकता है, आप लाइक गेमिंग के पर्पज़ से यूज़ करना चाहते हो, साथ ही लाइक कैमरा डे टू डे कैमरे के लिए भी यूज़ करना चाहते हो तो यार ये फ़ोन को आप परचेज कर सकते हो। तो चलो, इस फोन के फीचर को हम डिटेल में जान लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इस फोन के अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको 6.59 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। साथ ही इस फोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है दोस्तों, यानी कि आप गेमिंग वगैरह काफ़ी स्मूथली बिना किसी लैग के कर सकते हो। एंड इसके बाद इस फोन के अगर हम प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन का एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है दोस्तों, स्नैपड्रैगन 695 का एक 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है इस फोन में, यानी कि गेमिंग वगैरह आप इजीली कर सकते हो अच्छे से। एंड इसके बाद इस फोन के अगर हम रैम के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस फोन में आपको 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फोन आता है। साथ ही दोस्तों, इस फोन का आपको बैक में ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है 64+2+2 MP का, वहीं आपको फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है, यानी कि कुल मिला के बोला जा सकता है कि इस फोन का जो फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरा काफ़ी अच्छा है। एंड 1080p पे 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड भी आप कर सकते हो दोनों ही कैमरे से। एंड इसके बाद दोस्तों, इस फोन के अगर हम बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है एंड 33W के फास्ट चार्जिंग के साथ ये फोन आता है। एंड डिज़ाइन वगैरह भी काफ़ी अच्छा इस फोन का मिल जाता है, काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है दोस्तों। तो गाइज, ये थी इस फोन के फीचर। एंड दोस्तों, इनमें इस फोन का अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो इस फोन का प्राइस आपको अभी लाइक करेंट 16,000 के आसपास पड़ेगा। तो फ्रेंड, हम फाइनली अपने लिस्ट का नंबर 1 फोन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि वन प्लस की तरफ से वन प्लस नॉट CE 3 Lite 5G। एंड देखो यार, अगर आप वन प्लस का लाइक 15,000 to 16,000 का बजट पे कोई कैमरा फोन परचेज करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा आप वन प्लस नॉट CE 3 Lite 5G को ले सकते हो, क्योंकि इस फोन का जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है एंड जो फ्लिपकार्ट पे रेटिंग वगैरह भी है वो काफ़ी अच्छा है, मैंने खुद लाइक कुछ फोटो के सैंपल देखे हैं, वो काफ़ी मुझे इंप्रेसिव लगा। एंड साथ ही ये फोन 67W के फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, जो कि लाइक
काफ़ी अट्रैक्टिव लगा मुझे इस फोन का ये फीचर लाइक 16,000 के बजट पे, एंड बाकी फीचर भी काफ़ी अच्छा है इस फोन का। तो चलो इस फोन के फीचर को हम डिटेल में जान लेते हैं। तो भाई सबसे पहले इस फोन के अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको 6.72 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, एंड इस फोन में भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, यानी इस फोन से भी आप गेमिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ ये फोन आता है। साथ ही इस फोन में आपको एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड ऑक्सीजन ओएस के साथ ये फोन आता है। इसके बाद इस फोन के अगर हम चिपसेट के बारे में बात करें, इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, एंड साथ ही इस फोन में आपको 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। एंड फाइनली इस फोन के अगर हम कैमरे के बारे में बात करें तो आपको बैक में ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, 108 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP, एंड साथ ही फ्रंट में भी आपको 16 MP कैमरा देखने को मिल जाता है, यानी कि इस फोन का जो बैक कैमरा है वो काफ़ी अच्छा, आप काफ़ी अच्छे फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो, व्लॉगिंग वगैरह के लिए भी इस फोन का यूज़ आप कर सकते हो। एंड इसके बाद इस फोन की अगर हम बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, एंड 67W के फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, एंड लाइक 30 मिनट में ये फोन आपका 80% चार्ज हो जाएगा, एंड साथ ही ये फोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। तो गाइस ये थी इस फोन की फीचर, एंड लाइक अभी करंट इस फोन का अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो इस फोन का प्राइस आपको 16,500 के अप्रोक्स पड़ेगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना ताकि वीडियो की रीच बढ़े एंड हम जितने छोटे क्रिएटर को आगे बढ़ने का मौका मिले। आपको लाइक कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड लाइक इन फोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो या डिटेल में प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।